कि या परवरदिगार आलम के मुझे भी इजाज़त है कि मैं चादर किसा में दाखिल हो जाऊं। अब ये बहुत अहम नुक्ता है, इसी पे शकूक और शुबात पैदा होते हैं कि जिब्राइल अमीन ने क्यों कहा। वक्त नहीं वरना तफसील से बताया कि जिब्राइल की खिलकत किस नूर से हुई है, किस नूर से जिब्राइल की खिलकत हुई है। अल्लाह ने इजाजत दे दी, जाओ जिब्राइल तुम भी दाखिल हो जाओ। जिब्राइल अमीन जमीन पर उतरे, कहा परवरदिगार आलम अपनी इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता है ये सब कुछ जो सजाया है ये आप लोगों की मोहब्बत में सजाया, अल्लाह ने मुझे इजाजत दे दी, क्या आपकी भी इजाजत है कि मैं चादर किसा में दाखिल हो जाऊं। तवज्जो, अल्लाह से इजाजत लेके आया था जिब्राइल मगर फिर भी रसूल से इजाजत तलब कर रहा है। अगर अल्लाह ने रोजे महशर तुम्हें जन्नत में जाने की इजाजत दे भी दी तो रसूल की इजाजत के बगैर तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। सुना दिया फैसला मैंने, अब लगाइए नारा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिब्राइल अमीन दाखिल हुए चादर किसा में, आयत की तिलावत की, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुसिबानकुम रिज्सा अहलल बैति वयुताहिरकुम तथीरा। अलबैत अरब में किसे कहते हैं? अलबैत कहते हैं घर को नहीं बल्कि चादर का एक घर बनाया जाता था सहराओं में, जब कयाम किया करते थे काफले तो कयाम करने के लिए चादर का घर बनाते थे, उसको अरबी में कहा जाता था, तवज्जो पूरी नौजवान, अलबैत कहा जाता था। अलबैत का मतलब वो चादर की चार दीवारी। तो अगर जिब्राइल अमीन चादर में दाखिल ना होते और चादर के बाहर इस आयत की तिलावत करते तो मुसलमान यही नतीजा अक्स करते कि अहले बैत का मतलब घर वाले, जिसमें बीवियां भी शामिल हो जाती हैं, जिसमें जो जो घर में होता वो शामिल हो जाता। मगर जिब्राइल अमीन चादर में दाखिल होके कहते हैं अहले बैत, अब अलबैत का मतलब घर वाले नहीं, अलबैत का मतलब चादर वाले। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस मैंने आपकी जहमतों को तमाम किया, जहां जहां ये हदीस किताब पढ़ी जाएगी, फुजना व फाजा शियातुना, हम कामयाब और हमारे शिया कामयाब। जहां जहां ये हदीस किसा की तिलावत की जाएगी फरिश्ते उसका मुहासरा कर लेंगे, उनके लिए इस्तकबार करेंगे, उनकी दुआएं मुस्तजाब होंगी, वो सेहत याब हो जाएंगे, जो मकरूज होंगे उनका कर्ज अदा हो जाएगा, जो बीमार होंगे वो शिफाए कामला अता फरमाएंगे। सलावात पढ़ दें अजमत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अपनी तवानाइयां और ताकतों को जोड़ते हुए, इकट्ठी करते हुए, हदीस किसा की शान में खिराज अकीदत पेश करते हुए, अजमत मोहम्मद आले मोहम्मद पर कैबरी नारा लगाते हुए, अपनी आवाज को वाली नजब तक पहुंचाने के लिए नारा हैदरी। बस ये वो निजाम तथीर था, निजाम विलायत था, निजाम इमामत था, निजाम हिदायत के जिसने कबूल कर लिया उसने कबूल कर लिया, और जिसने कबूल ना करा उसने जाने ले ली इस निजाम को मुनहदिम करने के लिए। अजीजो चेहलुम गुजर गया, आप हजरात ज्यारात से मुशर्रफ हुए, चेहलुम की मजलिस नहीं हुई मगर मैं इस मजलिस को मुश्तरक कर रहा हूँ, चेहलुम से 28 सफर की मजलिस मुश्तरक मसाइब पढ़ूंगा चेहलुम के भी, कि आपकी तशनगी भी दूर हो जाए और मेरे दिल पे जो बोझ है वो भी उतर जाए। चेहलुम की मजलिस किया कीजिए खुदा के वास्ते, ये बहुत ज़रूरी है, आइमा की ताकीद है इसके लिए। चेहलुम को इस तरह से फरामोश मत किया कीजिए, आप चाहे चेहलुम के बाद शाम से आएँ या ज़ियारतों से आएँ मगर इस मजलिस को, मखसूस मजलिस को, चाहे इस मजलिस को मुश्तरक किया कीजिए, चेहलुम की मजलिस और 28 सफ़र की मजलिस, मगर इस मजलिस को फरामोश मत करिए, क्योंकि चेहलुम की मजलिस करना बारगाह में बहुत ज़रूरी है। अजमत वाले मोहम्मद पर बुलंद तरीन सलावात पढ़ें।
इमाम हुसैन से सवाल बैत हुआ और इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि हुसैन जैसा मासूम बैत ना करे, समझ में आता है। अब्बास जैसा शेर बैत ना करे, समझ में आता है। अली अकबर जैसा जरी और कड़ियल जवान बैत ना करे, समझ में आता। कासिम जैसा जवान बैत ना करे, समझ में आता है। उन मोहम्मद जाफर तैयार के पोते बैत ना करें, समझ में आता है। लेकिन सकीना बैत ना करे, ये समझ में नहीं आता। नाम नहीं था सकीना, नाम था फातिमा। क्योंकि सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं कि इमाम हुसैन ने हर बेटी का नाम फातिमा और हर बेटे का नाम अली रखा, इतने अली और फातिमा थे घर में। नाम था सकीना, तस्कीन का सबब सकीना। कभी अब्बास की गोद में, कभी कासिम के पास, कभी ओनो मोहम्मद के पास, कभी चचा अब्बास के पास। वो सकीना जो शब आशूर घर भर की मोहब्बत का मरकज बनी रही, आज रोजे आशूर की नजरें बदल गई। अब सकीना के हाथों में बाबा का दामन है, हुसैन पीछे हटते चले जाते हैं। सकीना के हाथों से बाबा का दामन मुख्तसर होता चला जाता है। हुसैन कहते हैं, सकीना मेरी बच्ची यतीमों की तरह जिंदा रहना। 4 बरस की बच्ची पूछती है, बाबा यतीम किसको कहते हैं? कहा, जब रुखसारों पे तमाचे लगने लगे, जब कानों की बालियां उतर जाए, जब गले में रसन बन जाए, समझ लेना कि यतीम हो गई। और वो वक्त असर सकीना अपने मुसल्ले पे बैठी हुई अपने नन्ने नन्ने हाथों को जोड़कर आसमान की तरफ बुलंद करके दुआ कर रही है, पालने वाले मेरे बाबा को पलटा दे, पालने वाले मेरे बाबा को पलटा दे। और जब सिया आंधियां चली, फरात का पानी उछला, किसी शकी ने आके सकीना के तमाचा मारा। सकीना कहती, अरे के यतीम हो गई। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरुल जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। मीर असीस ने इस रुखसत को बयान किया है, कयामत के जुमले कहे मीर असीस ने, कहता चिल्लाती थी कुर्बान हो बेटी चले आओ, चिल्लाती थी कुर्बान हो बेटी चले आओ, नन्ना सा मेरा दिल है, मेरा दिल न दुखाओ, मर जाऊंगी बाबा न मुझे छोड़ के जाओ, मैं मरती हूँ बाबा मुझे सूरत तो दिखाओ। बाबा को कसम दे के बुलाती थी सकीना, सर पीटती पीछे चली जाती थी सकीना। सकीना ने मदीने को बड़ा याद किया है अजीजों। जब भी सकीना का प्यास से दम घुटता, सकीना कहती, क्या तुम में कोई मदीने वाला है? अरे जब भी सकीना को कोई अजियत होती, सकीना कहती, अरे क्या तुम में कोई मदीने वाला है? जब भी सकीना के कोई तमाचा मारता, सकीना कहती, क्या तुम में कोई मदीने वाला है? अरे मदीने को याद करते करते सकीना जिंदा ने शाम पहुंच गई, और जिंदा ने शाम से सब वापस आए हैं, मगर वो 4 बरस की बच्ची वापस नहीं आई जिसने मदीने को बहुत याद किया है। 1 साल की बंदिशों के बाद जब आले रसूल की गिरिया औजारी ने खसरे जुल्म की बुनियादों में जलजले पैदा कर दिए और दमिश की पुरसुकून फिजाओं में यजीद के खिलाफ नारे लगने लगे, तो यजीद ने यह तय किया कि आले रसूल को रिहा कर दिया जाए। रात की तारीकी में सैयद सज्जाद को बुलाया है, कान सजे हुए हैं, कपड़े ढके हुए हैं, आज हाथों में हथकड़ियां नहीं, पैरों में बेड़ियां नहीं, गले में तौख नहीं, कमर में लंगर नहीं। बड़ी इज्जत के साथ सैयद सज्जाद को बुलाया है, यजीद ने अपनी कुर्सी छोड़ दी, फरजंदे रसूल तशरीफ फरमा हो जाइए, मगर मौला नहीं बैठे। मौला कहते हैं, यजीद आज क्यों बैठने के लिए कह रहा है? हम तो घंटों खड़े रहे हैं तेरे दरबार में, बता गरज क्या है, क्यों बुलाया है? बहुत देर के बाद यजीद ने इकरार किया, फरजंदे रसूल जो कुछ हो गया है उसे भूल जाओ, अपने बाप का खून मुझ पे माफ कर दो और ये सारी दौलत ले लो। बस एक मर्तबा यजीद ने कनीजों को इशारा किया, कनीजों ने कानों पर से कपड़े हटाना शुरू किए। जब सैयद सज्जाद ने इन सोने और चांदी के सिक्कों को देखा तो फरमाते हैं, यजीद मुझको क्यों दे रहा है ये दौलत,
रोजे महशर सरकार दो आलम को देना। अल्लाह के रसूल, मैंने आपके घराने के छोटे छोटे बच्चों को दबा कर दिया। यजीद कहता है, फर्जंद रसूल, आप मेरी जानिब से आजाद हैं, चाहे मक्का में रहिए, चाहे मदीने में रहिए, या फिर इज्जत के साथ दमिश्क में जिंदगी गुजारिए। मौला फरमाते हैं, जब तक फूफी अम्मा से मशवरा ना कर ले, अरे सैयदा जैनब तेरी अजमतों को सलाम, अरे आज तो मासूम इमाम भी तेरे मशवरों के बगैर आगे नहीं बढ़ता। सैयद सज्जाद कैद खाने में आके कहते हैं, फूफी अम्मा हम आजाद हो गए। एक साल के बाद ये आवाज सुनाई दी थी, हम आजाद हो गए। अरे किसी कैदी से कह दो हम आजाद हो गए तो खुश हो जाएगा ना। मगर जब सैयद सज्जाद ने ये जुमला कहा है, फूफी अम्मा हम आजाद हो गए, तो जो बीबी जहां बैठी थी वहीं बैठी रही। अरे जो सर झुके हुए थे वो सर झुके रहे। ए सैयद सज्जाद, हमको कैद खाने में मर जाने दो, हम यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते। अरे दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। कहा, फूफी अम्मा चलना जरूरी है, पैगाम हुसैनी का इबलाग जरूरी है। बस आज नाके लाए गए, नाके पे महमिल है, महमिल पे पर्दा नसब है। एक मरतबा ऐसी काफिला जब चला तो रावी कहता है, एक महमिल से किसी के चीख की आवाज बुलंद हुई। जैनब ने खुद को जमीन पे गिरा दिया, दौड़ती हुई कैद खाने में गई। किसी ने कहा, जैनब कुछ रह गया क्या? कहा, मेरे भैया की अमानत रह गई, एक नन्ही सी खाब। जैनब ने उस पे मुहर दिया, सकीना मेरी बच्ची, बड़ा मदीने जाने का शौक था, आज हम मदीने जा रहे हैं। बस जैसे आवाज आई हो, फूफी अम्मा जब चचा की कब्र पे जाओ तो मेरा सलाम कह देना, और सुगरा से कह देना, बड़ी खुश नसीब हो, तुमने तमाचे नहीं खाए, कानों की बालियां नहीं उतरी, रसन बसता दयार बदयार। कूचा बा कूचा 20 सफर को ये काफला करबला पहुंच गया। बीवियों ने अपने आप को नाके से गिरा लिया। 3 दिन तक गिरियाजारी करती रही। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरुल जज़ा, रोते रहना, दुआएं मांगते रहना, खुदा रहमत नाजिल करे इन आवाजों पर। अरे आप भी तो ज़ियारतों से आए हैं ना, कोई एक हफ्ता रह के आया, कोई 10 दिन रह के आया, मगर जब 10 दिन बाद भी पलट रहा होगा तो दिल को सुकून हासिल नहीं हुआ होगा। काश के कुछ और दिन रुक जाते हैं, काश के कुछ और दिन मौला की ज्यारत कर लेते। अरे 3 दिन में बीबियों का दिल भरा होगा तो कैसे भरा होगा।